हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। आज के सेशन में बात कर रहे हैं बहुत ही छोटी गाड़ियों के बारे में जो आने वाली है हिंदुस्तान के मार्केट में 2020 में। ये बहुत ही छोटी गाड़ियां कौन सी होंगी? ये गाड़ियां वो होंगी जो मारुति एल्टो, टाटा मोटर्स की नैनो, उनसे भी छोटी होंगी। ये वो गाड़ियां होंगी जो आपको रनिंग देंगी 35 किलोमीटर की माइलेज पेट्रोल में, सीएनजी में 43 किलोमीटर की माइलेज देगी। ऐसी गाड़ियां जो नियर फ्यूचर में आपको इलेक्ट्रिक के रूप में भी अवेलेबल होंगी। आज बात कर रहे हैं क्वाड्रीसाइकिल के बारे में। क्वाड्रीसाइकिल नाम सुना है आपने, ARAI ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन इंडिया ने अप्रूव कर दिया है क्वाड्रीसाइकिल, जो माना जाएगा पैसेंजर कार सेगमेंट में। बिकॉज इस क्वाड्रीसाइकिल आपको मिलेंगे चार व्हील्स, हार्ड आपको रूफ टॉप मिलेगा, चार आपको डोर्स मिलेंगे, तो आप क्लोज केबिन में होंगे। काफ़ी सारे कंज्यूमर्स हमारे भाई जो बाइक में परिवार को लेके चलते हैं, रिस्क होता है उनके लिए क्वाड्रीसाइकिल एक अच्छा खासा ऑप्शन के रूप में आ रही है। बजाज, हमारा बजाज लेके आ रही है बजाज क्यूट को, टू बी लॉन्च इन द मंथ ऑफ मई टू जून 2019। इस गाड़ी के बारे में जान लीजिए, मैक्सिमम जो कार का बॉडी वेट रहेगा वो रहेगा 475 kg, 216 cc का आपको कार के अंदर इंजन मिलेगा विद अ पीक पावर ऑफ 13 BHP पावर एंड 20 Nm टॉर्क। आपने सही सुना है, 13 BHP पावर है और 20 Nm टॉर्क है। कार की मैक्सिमम स्पीड रहेगी 70 km/h की एंड दिस इज बीन अप्रूव बाय ARAI। हालांकि ये जो इनके एमिशन और क्रैश टेस्ट होंगे वो कम स्पीड पे होंगे, एक्सपेक्टेड है कि 30 km की स्पीड से इनके क्रैश टेस्ट होके दे विल बी अप्रूव टू बी रोड वर्थी। यानी जिन लोग की रिक्वायरमेंट है सिटी यूसेज में एक स्मॉल कार चलाना, उनको ये गाड़ियां समझ में आएंगी। केवल 3.5 meter की कार के अंदर आपको टर्निंग रेडियस मिलेगी। इन कारों के बारे में जान लीजिए, दीज आर नॉन AC विदाउट पावर स्टीयरिंग कार्स हैं। अब विदाउट पावर स्टीयरिंग तो आपको गाड़ी कैसे चलाएंगे? नहीं साहब, पावर स्टीयरिंग नहीं है तो, लेकिन स्टीयरिंग आपको फिर भी सिटी यूसेज के हिसाब से, लोअर टर्निंग रेडियस के हिसाब से आपको ऐसी मुश्किल नहीं आएगी। प्राइस कॉन्शियस अगर आप हैं कि 1.5 से 2 lakh रुपए के बीच में यू वांट टू ओन अ ब्रांड न्यू कार, आपको सेकेंड हैंड कार मार्केट में कार्स ट्रस्टवर्दी नहीं लगती हैं, आपको एक ऐसा वाहन चाहिए जिसमें आप अपनी फैमिली को बिठा के जा सकते हैं, बिकॉज इसमें छत होगी, डोर्स होंगे, रिस्क की संभावना कम होगी, तो आपको बजाज की क्यूट 2019 के बाय द एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून के बीच में कभी भी लॉन्च होते हुए दिखाई दे सकती है। उसके अलावा और भी कंपनियां हैं जो इस सेगमेंट में नजर बना के रखी हुई हैं। पोलैरिस यूरोप की नंबर वन क्वाड्रीसाइकिल मैन्युफैक्चरर, विच इज इवन मेकिंग अ क्लोज आई कि कैसा इंडियन पैसेंजर का मार्केट डेवलप होता है, वो पोलैरिस भी काफी सारी क्वाड्रीसाइकिल लेके आ सकती है, जैसा रिस्पांस मिलता है बजाज की क्यूट को। टाटा मोटर्स की भी नजर है एस के कॉन्सेप्ट पे, दे कैन लॉन्च क्वाड्रीसाइकिल इन 2020 और पॉसिबली 2021 इन इंडियन पैसेंजर का मार्केट। ये तो हो गया पेट्रोल और सीएनजी के बारे में, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में महिंद्रा जो पायनियर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आएगा महिंद्रा उडो और महिंद्रा एटम को, इन गाड़ियों के बारे में खास बात है, दीज आर टू बी इलेक्ट्रिक ओनली व्हीकल्स। महिंद्रा उडो का आप डिजाइन देख पा रहे होंगे, बेसिकली आपको लगेगी बाइक जैसी है, लेकिन साहब इसमें आपको 3 wheel मिलते हैं। हो सकता है क्वाड्रीसाइकिल कॉन्सेप्ट अब जैसे क्लियर हो गया है, महिंद्रा कैन लॉन्च उडो इन अ 4 wheel वर्जन ऑल्सो। बाइक जैसे आपको लगेगा, फ्रंट में बैठ रहे हैं, पीछे में बैठ रहे हैं, और आपको क्लोज आउटलेट मिलेगा इसके अंदर। और जो महिंद्रा की एटम है, दैट्स अ प्रॉपर क्वाड्रीसाइकिल। इसमें हालांकि आपको कॉन्सेप्ट वर्जन में 3 लोगों की जगह देखने को मिल रही होंगी, बट जब ये कार एक्चुअल प्रोडक्शन में आएंगी, जो भी क्वाड्रीसाइकिल के नॉर्म्स हैं, महिंद्रा उसको मीट करती हुई दिखाई देगी इंडियन पैसेंजर का मार्केट में। उम्मीद है बाय द एंड ऑफ 2020 और अर्ली 2021 में आपको महिंद्रा की उडो और महिंद्रा की एटम लॉन्च होती हुई दिखाई देगी। तो ये हैं वो बहुत ही छोटी गाड़ियां जो आने वाली हैं 2019 में और नियर फ्यूचर में इंडियन पैसेंजर का मार्केट में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आने पे आप वोट करिए, वीडियो को शेयर करिए और चलो माय कार हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। थैंक यू।